दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आज हम आप लोगों को मुल्लाभीरी बाबा के दर्शन कराने के लिए चल रहे हैं। और दोस्तों, मैं अभी पहुंचा हूं गोपामाऊ रोड, और ये है पिसामा रोड, और पिसामा रोड से कुछ ही दूरी पर बाबा मुल्लाभीरी बाबा का स्थान है और बहुत ही अच्छा नज़ारा है रोड का, आप देख सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। और मेरा नाम दिलीप है और आप देख रहे हैं दिलीप दीप ब्लॉग्स। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं गोमती नदी के पुल पर, जो कि ये पिसावा रोड पे ही पड़ता है, देख सकते हैं। फाइनली हम और धीरज भाई दोनों लोग मुल्लाभीरी स्थान पर पहुंच चुके हैं और अब आप लोगों को यहां के दर्शन कराते हैं। हमारे धीरज भाई हैं, इनसे भी मिलिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी कि अच्छे होंगे। दिखाते हैं आपको यहाँ मुल्लाभीरी बाबा के दर्शन कराते हैं, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ का बाबा कैसे अंतर ध्यान हुए थे और यहाँ का जो इतिहास है वो मतलब पूरे यूपी में फैला हुआ है, हर आदमी जानता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सामने से कितनी सारी घंटी इस स्थान पर दिख रही हैं। तो अब हम लोग चल रहे हैं अंदर और ये मेन द्वार है इसका, और यहाँ पर भी बहुत सारी घंटी बंधी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और अब हम लोग चल रहे हैं अंदर, ये सामने गेट है। दोस्तों, सबसे पहले हम बाबा के बारे में आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, बाबा ने सन 1960 में मुल्लाभीरी में अपना स्थान बसाया था 1960 में, और ये हिमालय पर्वत पे रहने वाले थे, क्योंकि यहाँ के जो बाबा लोग हैं बताते हैं, और यहाँ पर उन्होंने अपना आश्रम बसाया था 1960 में, और 108 वर्ष की आयु में उनकी जो है मृत्यु हुई है, जो कि अपने आप शरीर त्यागा उन्होंने। दोस्तों, ये बाबा की जो है यहाँ पर प्रतिमा है, जो कि बहुत ही अद्भुत, और 2003 में बाबा अंतर्धान हुए थे। दोस्तों, मुझे लगता है अपने पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सारी घंटियाँ कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेंगी, और जितनी घंटियाँ आप लोगों को मुल्लाभीरी बाबा के स्थान पर मिलेंगी, जिनका नाम था गुरु ज्ञानदास बाबा, और उनकी प्रतिमा है, आप लोग देख सकते हैं उनकी प्रतिमा, बाबा की प्रतिमा ये है। तो दोस्तों, देख सकते हैं बहुत सारी घंटियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ जो है बाबा को अंतर ध्यान हुए, मतलब 2003 में बाबा अंतर ध्यान हुए थे, और जब अंतर ध्यान हुए थे बाबा, तो उन्होंने गांव वालों को बताया था, और जिस दिन बाबा अंतर ध्यान हुए थे उस दिन यहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। यहां पर आप लोगों को सारी घंटियां ही देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग यहां पर बहुत सारी घंटियां हैं, और यहां के बारे में कुछ धीरज भाई बता रहे हैं, आप लोग धीरज भाई से सुनिए। हाय दोस्तों, आइए दिखाते हैं यहाँ आपको, यहाँ सारे बहुत ही घंटियाँ हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का बहुत ही माना जाना मंदिर है, इससे ज़्यादा घंटियाँ यहाँ कहीं नहीं मिलेंगी आपको। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का, जहाँ भी देखिए घंटियाँ ही घंटियाँ, इतनी घंटियाँ हैं। आए आप लोग और यहाँ देखें, यहाँ का आनंद लें। ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वही हरदोई से हमारे तकरीबन 45-50 किलोमीटर होगा सब चीज़ में। बाकी आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे बाबा की जो है प्रतिमा है, और बहुत सारी यहाँ पे घंटियाँ हैं, आप लोगों ने देखी है, देख सकते हैं यहाँ पर घंटियाँ ही। मुझे लगता है हमारे मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी मंदिर में इतनी सारी घंटियाँ नहीं आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ का और कुछ आप लोगों को नज़ारा दिखाते हैं, और फिर यहाँ की हिस्ट्री क्या है वो बताते हैं, और बाबा का जो नाम था वो गुरु ज्ञानदास बाबा था। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हम आप लोगों को मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दिखा रहे हैं। ये धीरज भाई आगे आगे चल रहे हैं, और मंदिर के चारों तरफ आप लोगों को घंटी ही घंटी दिखाई पड़ेंगी।
तो ये देखो घंटी, चारों तरफ घंटी, जो कि ये पुराने जो 20-25 साल पहले लोग घंटी बांध के थे, पुरानी घंटी इधर आएँ। और बाकी ये देख सकते हैं चारों तरफ आप लोगों को घंटी ही घंटी नज़र आएंगी, बहुत सारी घंटी हैं मुल्ला वीधि स्थान पर। ये सीतापुर में पड़ता है, सीतापुर से करीब करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और हमारे हरदोई से भी ये 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और ये स्थान है हमारे यूपी में मतलब प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये सामने कुटी जैसी बनी है, इसमें जो है बाबा लोग भजन भाव करते हैं अपना, और ये जो है देख सकते हैं बाबा की समाधि है। और यहाँ पर दिन मंगलवार 27 तारीख पाँचवा महीना सन 2003 को 3:20 पर बाबा ने शरीर अपना त्याग दिया। समाधि जो है बुधवार 28 तारीख पाँचवा महीना 2003 को 8:36 पर दी गई। तो देखते रहे आप लोग, तो ये समाधि का जो है इस पर लिख दिया गया है। और बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जी, तो घंटियों के लिए यहाँ पे बहुत प्रसिद्धि है, जिस भी श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ण होती है वो यहाँ पे घंटी बांध कर ही जाता है। और यहाँ पर का एक रिवाज है कि यहाँ पर चोरी जो है अभी भी नहीं होती है, कोई चोरी नहीं कर पाता है, तो इसका ये इतिहास है। बाकी देख सकते हैं घंटी ही घंटी चारों तरफ घंटी, जब भी आप जाएँ यहाँ का नज़ारा भी बहुत अद्भुत है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर और दिखाते हैं, ये देखो इधर ये सामने जो हवन है, यहाँ पे हवन होता है, कोई भी अपन करा सकता है और अपने कष्टों का जो है निवारण करा सकता है। और यहाँ पे रामायण का भी पाठ किया जाता है। ये जो है प्राचीन घंटी, जो कि बहुत पहले की घंटी सामने बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और अब लोग चल रहे हैं बाहर, यानी कि आप पूरा जो है यहाँ स्थान दिखा दिया है। ये सामने हनुमान चालीसा रामायण का पाठ करते हुए, और हम धीरे दोनों लोग बाहर आ चुके हैं और चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं बाहर, इधर ये दुकानें वगैरह हमेशा लगी रहती हैं परमानेंट। जबकि हम लोग सोमवार वाले दिन नहीं आए, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है ना, सोमवार वाले दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। यहाँ का जो है नज़ारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत है, और मैंने मुल्ला भीरि बाबा का स्थान आप लोगों को दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आप लोग भी यहाँ पर आएँ, और आप लोग रोड देख सकते हैं, ये पूरी जो रोड गई है मिश्रिक रोड गई है। और अब हम आप लोगों को मिश्रिक का ब्लॉग, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग होगा, और उसका आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, और वो भी ब्लॉग आएगा मिश्रिक का, मिश्रिक धाम का। और यहाँ की जो मिश्रिक रोड है बहुत ही अच्छी रोड है, और मुल्ला भीरि बाबा का जो है मैंने आप लोगों को बताया इतिहास, क्या वहाँ की हिस्ट्री है, और पूरा स्थान भी दिखाया। धीरे वीडियो आप लोग देखते रहें, और अब आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिश्रिक में नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो मिश्रिक का होगा, और मिश्रिक में मिलते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन आज आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।